गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कम्प्लीटेड आंसर नंबर 1 and 2. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आंसर नंबर 3. सो क्वेश्चन इज हु वॉज सीता. सीता कौन थी. वाई वॉज प्रेरणा सरप्राइज टू सी हर. और प्रेरणा इतना सरप्राइज क्यों हो गई थी सीता को देखने के बाद, वो इतना शॉक क्यों हो गई थी. सो हम आंसर में लिखेंगे सीता वॉज अ ब्यूटीफुल मिल्किंग काऊ. सीता कौन थी. सीता बहुत ही एक सुंदर मिल्किंग काऊ थी. प्रेरणा थॉट, प्रेरणा ने सोचा था सीता कुड बी अ गर्ल. उसने सोचा था कि सीता कोई लड़की होगी. बट व्हेन शी सॉ हर, पर जब उसने सीता को देखा शी वॉज सरप्राइज्ड. वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई. सो यू हैव टू राइट दिस आंसर. सीता वॉज अ ब्यूटीफुल मिल्किंग काऊ. प्रेरणा थॉट सीता कुड बी अ गर्ल. बट व्हेन शी सॉ हर शी वॉज सरप्राइज्ड. नाउ इन द फोर्थ क्वेश्चन व्हाट डिड प्रेरणा एंड ग्रैनी मेक विद द स्ट्रॉबेरीज. तो प्रेरणा और ग्रैनी ने स्ट्रॉबेरीज से क्या बनाया. उन्होंने क्या बनाया था. दे मेड अ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम. उन्होंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम तैयार की थी. तो हम आंसर में लिखेंगे दे मेड अ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम. हम यहाँ पे दे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम दो जन की बात कर रहे हैं, प्रेरणा एंड ग्रैनी की. तो इसलिए हमने यहाँ पे दे का यूज़ किया है. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक दिस स्टोरी इज कॉल्ड स्ट्रॉबेरी सरप्राइज. तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि स्टोरी का नाम स्ट्रॉबेरी सरप्राइज है. बिकॉज इन दिस स्टोरी, क्योंकि इस स्टोरी में ग्रैनी सरप्राइज्ड प्रेरणा एंड हर फ्रेंड्स बाय द स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पार्टी. क्योंकि इस स्टोरी में ग्रैनी क्या करती है, ग्रैनी सारे बच्चों को, प्रेरणा के और प्रेरणा के फ्रेंड्स को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पार्टी देकर उन्हें सरप्राइज कर देती है. इसीलिए स्टोरी का नाम स्ट्रॉबेरी सरप्राइज रखा गया, ऐसा हमें लगता है. तो हमने अपना व्यू पॉइंट यहाँ पे आंसर में लिख लिया है. नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस ऑल 5 आंसर इन योर इंग्लिश कॉपी. आपको 5 आंसर इंग्लिश कॉपी में कंप्लीट कर लेना है. एंड देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ वोकैबुलरी एक्सरसाइजेस. टिल देन आपको ये कंप्लीट करके रख लेना है आपकी कॉपी, एज वेल एज इन योर बुक ऑल्सो यू हैव टू डू एंड इन योर कॉपी ऑल्सो.